हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए, आज की वीडियो में थंबनेल देखकर आपको पता ही चल गया होगा क्या वीडियो है। आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ वैलेंटाइन मेकअप लुक, जो कि बहुत जल्दी आने वाला है। आज है रोज डे और वीडियो कब जाएगा मुझे नहीं पता, क्योंकि एडिटिंग वगैरह करूँगी और 14th को है, तो उसके लिए फटाफट से मेकअप लुक बनाती हूँ ताकि आप लोग जल्दी जल्दी से देख सकें। तो चलिए स्टार्ट। पहले अपने बालों में जो भी हेयर बैंड या बैंड जो लगाना है वो थोड़ा अच्छे से लगा लो ताकि प्रोडक्ट उसमें ना लगे। और यार, मेरे हेयर्स जो है ना, ये न्यू हेयर्स आ रहे हैं। एंड इसके बाद मैंने सनस्क्रीन वगैरह अप्लाई कर लिया था पहले ही, क्योंकि फिर नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। अब इसके बाद मैं लूँगी स्विस ब्यूटी का प्राइमर, बड़ा क्रीमी सा अच्छा सा प्राइमर है ये। एंड इसके बाद अब मैं लूंगी स्विस ब्यूटी का हाई कवरेज वाटरप्रूफ बेस फाउंडेशन है, जो कि मुझे बहुत ज्यादा लाइट है इसलिए पसंद है। थोड़ा सा ये फुल कवरेज है, बट फुल कवरेज नहीं देता है। और इसको मैं अब पूरे फेस पे लगा लूंगी। और अब इसको लगाने के बाद आप देख सकते हो, अभी जब मैं पूरा लगाऊंगी तो आप देखना इतना कोई हाई कवरेज नहीं देता है, इसलिए आप इसको डरना नहीं, ले लेना। मेरा ब्यूटी ब्लेंडर है और ये रोज वाटर से थोड़ा सा वेट करूंगी मैं। अपना मिरर ले लूं इधर, लगाए तो नहीं लगाए। अब इसके बाद मैं लूंगी कंसीलर, जो कि बेला पोस्टे का है। ये कंसीलर थोड़ा सा थिक है, मतलब थोड़ा सा आपको लगेगा शायद ये ज़्यादा थिक सा है, बट लगाने में कोई ऐसा मुझे इशू नहीं लगा इसको लगाने के बाद। एंड माय कंसीलर इज डन। अब इसके बाद मुझे लगाना है मेकअप को सेट करने के लिए पाउडर, जो कि मेरे पास फिट मेकअप है। और मैंने लिया अपना पाउडर ब्रश। डन। अब मैं डन करूंगी अपनी आईब्रोज, और जो कि वेट एंड वाइल्ड का ये पाउडर वाला पूरा है। अब मैं इससे पहले अपनी ब्रो को जो है इसको नीचे करूंगी। और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैंने आईब्रोज थोड़ी सी चौड़ी करने की कोशिश की है, ज़्यादा नहीं, हल्की सी, क्योंकि ज़्यादा भी फिर फेस बहुत अजीब सा भरा भरा लगता है। इसमें से मैं जो लाइट शेड है, मैं ब्राउन वाला ये लूंगी। एंड माई ब्रो इज ऑलमोस्ट डन, नहीं डन ही है। एंड इसके बाद मैं अपना एक जो मेरा ब्रश है उससे मैं आई शेडो लूँगी, और बिल्कुल ही सिंपल मुझे करना है। बहुत ज़्यादा आईज को मुझे होने का, मुझे सिर्फ इसको आज बिना आई लाइनर के अच्छा बनाना है, तो जिसके लिए मैंने पहले एक नेचुरल सा बेस लूँगी जो कि कलर पूरी आईज पे आ जाए। और मैं थोड़ा सा स्मोकी करने की कोशिश कर रही हूँ आज, ज़्यादा मुझे फुल स्मोकी नहीं चाहिए, मुझे बस लगता है कि थोड़ा सा कॉर्नर ब्लैकिश हो, जिसके लिए मैं नायका पैलेट से एक ब्रश से मैं ब्लैक वाला कलर लूंगी।
मैं इसको ब्लेंड करूं। सिंपल सा ब्रश है ये, इससे ब्लेंड नहीं होने वाला, मुझे ब्लेंडिंग ब्रश लेना होगा। और ब्लेंडिंग ब्रश जो मेरा है उससे मैं करना नहीं चाह रही इसको, छोटे छोटे ब्रशेस थे ये, इससे भी नहीं हो रहा ये है, बट मेरे से इससे होता नहीं, इसकी ब्रशेस मुझे बहुत बड़ी बड़ी लगती। मैंने नायका पैलेट से ही इसमें से थोड़ा सा उसे लाइट शेड लेकर ब्लैक से, और इसको एक साथ ऐसे सिर्फ ऐसे ही स्मच करना है, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा डार्क ब्लैक नहीं किया है, आप देख सकते हो। ओके दैट्स इट, देख सकते हो बिल्कुल सिंपल। और अब इसके बाद सेकेंड आईज में भी मुझे यही करना है, एक साथ ब्लेंड करना है दोनों को। एंड अब इसके बाद मुझे इसमें कुछ नहीं करना, थोड़ा सा एक और लाइट शेड लेकर मुझे ऊपर की तरफ करना है थोड़ा सा, माई आईज इज डन। इधर मेरा मिरर था इसलिए मैं इधर बार बार देख रही थी। एंड इसके बाद मुझे एक ये स्विस ब्यूटी का, ये किसी का है मैंने ध्यान नहीं, मुझे ब्रांड नहीं ध्यान रहा, बट ये ग्लिटर है, थोड़ा सा बहुत लाइट सा ग्लिटर लगाऊंगी, ज्यादा नहीं, मैं ये नहीं लगाती, मैं डायरेक्ट इसमें से लगा लूंगी, बहुत ज्यादा अच्छा मुझे इसमें से लगता है, थोड़ा सा ग्लिटर लूंगी, ज्यादा नहीं। और अब इसके बाद इसको पूरा पूरी आईज पे नहीं ब्लेंड करना है, बस इतने पे ही ब्लेंड करना है, जहां पे आप चाहो तो पूरा भी कर सकते हो, बट मैं दैट्स इट, इससे ज्यादा मैं ब्लेंड नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे हल्का ही दिखाना था। और आज मैं बिल्कुल भी आई शेड ओ आई लाइनर नहीं लगाऊंगी, आज मुझे लाइनर नहीं लगाना है, दैट्स इट। एंड आज अगर देखोगे आप तो मैंने आईज के नीचे कुछ भी नहीं लगाया था, पाउडर वगैरह, बट मेकअप बाहर आया नहीं है आईज का, एंड मेकअप ठीक है। इसके बाद जो ये छोटी छोटी आई शेडो ब्रशेज होती हैं ना, जो इनसे जो बहुत लाइट शेड हो ना, उन्हीं से थोड़ा सा अपनी आईज के नीचे, ताकि आप अगर लाइनर नहीं लगा रहे तो आपको काजल की भी जरूरत नहीं पड़े, और लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो, बट मैं जल्दी से ऐसे लगाती नहीं हूं। That's it. और इसके बाद अब मैं अपना फेस जो है थोड़ा सा कॉन्टोर करूंगी। कॉन्टोरिंग के लिए मेरे पास नायका का पैलेट है और कॉन्टोर ब्रश है। पहले तो मैंने सोचा थोड़ा क्रीमी लगाऊंगी, बट नहीं, मेरा। एंड अब इसके बाद बारी आती है मेरे ब्लश की। मेरे पास NYB का ब्लश है, और इसको थोड़ा सा मैं बहुत ज्यादा नहीं लगाऊंगी, थोड़ा सा ऐसे ब्रश में लेकर, क्योंकि तो बहुत ज्यादा पिगमेंटेड है यहाँ से, आप देख सकते हो बहुत ज्यादा पिगमेंटेड है ये, तो मैं जल्दी से इसको ज्यादा नहीं लगाती। और मुझे जब कभी लग जाता है कि ज्यादा हो गया था, तो मैं सिर्फ अपना पाउडर लेती हूँ और पाउडर ब्रश से, दैट्स इट। अब इसके बाद बारी आती है मस्कारा की, जो मैं लेना भूल गई हूँ, तो मैं अपना मस्कारा लेकर आऊँ। बाद मैंने अपना मस्कारा ले लिया है जो कि सुगर का है, और मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि इसको लगाने के बाद मुझे फॉल्सेस लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती है। आप देख सकते हो
एंड मेरा मस्कारा डन हो गया और मुझे यहाँ पे जस्ट अभी कुछ काटा है किसी ने बाइट कर लिया, आई थिंक मॉस्किटोज होंगे क्योंकि वेदर थोड़ा सा चेंज है, अभी थोड़ा गर्म हो रहा है तो मॉस्किटोज आ रहे हैं। एंड अब मैंने देखो रेड ड्रेस डाली है तो मुझे तो इस पर रेड लिपस्टिक लगाना है, इसके लिए मुझे एक लिप लाइनर जो कि स्विस ब्यूटी का है। माई ऑल टाइम फेवरेट मेबलिन की लिपस्टिक, लिक्विड लिपस्टिक, मुझे ये बहुत 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 ज्यादा पसंद है। लिपस्टिक डन हो गई, अब मेरा जो हाइलाइटर है उसको थोड़ा सा लेकर इसे लिपस्टिक पे लगाऊंगी क्योंकि देखो वैलेंटाइन डे की बात है और थोड़ा सा तो ये मेरी लिपस्टिक डन हो गई। और इसके बाद बारी आती है, सब कुछ मैंने कर लिया, अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बारी क्या आती है, मुझे मेकअप सेटिंग स्प्रे लगाना है जिसकी जगह मैं यूज़ कर रही हूँ अपना रोज़ वाटर। ठीक है, अब जब आप अपना सेटिंग स्प्रे डालते हो ना तो थोड़ा सा अच्छे से यहाँ पे ताकि जो भी स्वेटिंग हो, और दूसरा ना ये यहाँ पे ब्लैकनेस दिखने लगती है जिससे आप कर लोगे तो नहीं दिखेगी। एंड अब मैं इयररिंग्स वगैरह डाल के आपके सामने फटाफट आती हूँ। माय मेकअप इज डन, बहुत सिंपल बहुत क्विक मेकअप मैंने किया है ताकि फटाफट भी अगर हस्बैंड कह दे कहीं जाना है या जिसके साथ आप जाना चाहते हो अगर वो कह दे कि हाँ जाना है या मिलना है तो आप फटाफट से रेडी हो सकते हो। मैंने बहुत फटाफट मेकअप किया है और मैंने अभी इसमें एक कमी कर दी, क्या कर दी वो पता आपको, हाईलाइटर मेन चीज़ नहीं लगाई जो कि हमें ब्लश करना है, चमकना है उस दिन, तो ब्लश मैंने लगा लिया। अब मुझे लगाना हाईलाइटर, एक गलती रह गई थी और जस्ट मैं इसको कंप्लीट कर दूं। हाइलाइटर ब्रश में लगा, यस। हाइलाइटर तो बहुत इम्पोर्टेंट है भाई इस दिन, नहीं? वैसे हाइलाइटर नहीं भी लगाओगे ना तो उस दिन वैसे भी सब ब्लश करते रहते खुशी से। देखो मेरे हस्बैंड की क्या प्लानिंग है, जो भी प्लानिंग होगी, प्लानिंग क्या ऑफ है नहीं, छुट्टियां है नहीं, ऑफिस से आते हुए अगर कुछ भी लेकर आए, वैसे मैंने बोला मुझे किसी गिफ्ट की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपस में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे। और डन हो गया ये, जो भी मैं करूंगी जो भी प्लानिंग होगी, वैसे कोई प्लानिंग इसलिए नहीं है कि मेरी डॉटर का ना एग्जाम स्टार्ट है 8 से कल से, तो मैं थोड़ा सा उसमें भी बिजी रहूंगी और अगर बच्चों का पेपर है तो बहुत डिस्टर्ब होते हैं, तो जो घर पे कर पाई वो करूंगी और जो भी करूंगी जरूर शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। तो माय मेकअप इज डन, ये है मेरा मेकअप। कैसा लगा मेरा वीडियो आप लोगों को, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और मैं पूरा एक लुक आपके सामने, पूरा एक फोटो या वीडियो जैसे हो सकेगा मैं जरूर डालूंगी लास्ट में, आप देख लेना, बाय।